15.4.1 लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। बच्चों, आप दबाव समूह के बारे में जान चुके हैं। आपने अपने आसपास भी बहुत से लोगों को दबाव समूह बनाकर सरकार के किसी कार्य का विरोध करते हुए देखा होगा, देखा है ना? बच्चों, आज हम जानते हैं कि लोकतंत्र में इन दबाव समूहों की क्या भूमिका है। बच्चों, लोकतंत्र में ऐसे दबाव समूहों की आवश्यकता होती है जो समाज के सभी तबके के लोगों के लिए कार्य करें। किसी एक खास वर्ग या किसी एक खास तबके के हितों के लिए कार्य करने वाला दबाव समूह लोकतंत्र में सही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये दबाव समूह सत्ता का उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। और कई बार तो इस प्रकार के दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन ये अपने धन बल तथा ताकत की वजह से अपने संकुचित एजेंडे को सरकार के द्वारा मनवाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, जो भी हो, ऐसा माना जाता है कि इन प्रकार के दबाव समूह तथा आंदोलनों का होना लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाता है। शासकों के ऊपर दबाव बनाना कोई अनुचित कार्य नहीं है, लेकिन सबको इस प्रकार का अवसर प्राप्त होना चाहिए। कई बार सरकारें कुछ ताकतवर तथा धनी लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। ऐसे में जन साधारण लोगों का दबाव समूह तथा आंदोलन ऐसे अनुचित दबावों के विरोध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार के सामने देशवासियों की सही जरूरतों को बताने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार जब विभिन्न दबाव समूह देश में कार्यरत होते हैं तो कोई एक समूह किसी समाज के ऊपर प्रभुत्व नहीं कर पाता है। इस प्रकार जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर पाता है। यदि एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनवाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके विरोध में दबाव डालता है कि इस प्रकार की नीति नहीं बननी चाहिए। इससे सरकार को भी ये पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग क्या चाहते हैं और इस तरह परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य करना तथा शक्ति संतुलन करना सरल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दबाव समूहों का लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।